तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आ गया इतिहास इंग्लिश पिटारा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखेंगे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल 15 है। देखा जाए कोई भी सेंटेंस में आपका लगा हो सम एनी नो एवरी और मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी वन थिंग से जो भी इससे बनेगा आपका वर्ड उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कैसे? देखिएगा Somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything। इतना से जो वर्ड बनेगा ना उसमें लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। याद रहे कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एक मिनट, जैसे हम बोलेंगे somebody, someone, something, एनीबडी एनी वन एनी थिंग नो बडी नो वन नथिंग एवरीबडी एवरी वन एवरीथिंग इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इससे जो भी वर्ड बनेगा इसे बोलेंगे समवन तो इज गया तो समवन इज समबडी इज गया तो इज। ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि इतना में आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। ठीक है कहीं भी लिखा हो समबडी नो बडी एवरीबडी आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो देखा जाए क्वेश्चन Somebody call me सही है कि somebody calls me सही है? बोले Somebody call me कि somebody calls me बोले कौन सा है इसमें? आपको मैंने बताया है इतना भी क्या लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब में क्या लगा होता है? या तो इज होगा वाज होगा हैज होगा और नहीं तो मेन वर्ब में एस या एस लगा होगा। ठीक है आप डायरेक्ट ये समझो कि उसमें क्या लगा होगा एस या एस लगा होगा। तो calls में लगा हुआ है इज में भी एस लगा हुआ है वॉज में भी एस लगा हुआ है हैज में भी एस लगा हुआ है और मेन वर्ब में तो एस लगा हुआ रहेगा ही एस या ईएस लगाओ। ठीक है तो बोलिए somebody call me कि somebody calls me तो somebody calls me क्योंकि सिंगुलर वर्ब है एस लगा हुआ है। और देखेंगे आगे एग्जांपल कुछ और है someone is calling you होगा कि someone are calling you सही है? बोलिए तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है इज गया तो इज होता है तो आपका ये वाला सही है। चलिए कोई दिक्कत इसमें इसमें से कोई भी वर्ड रहेगा आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। ठीक है अब आगे देखिए एक मिनट अब अपना का इंग्लिश क्या होता है? जैसे आई का अपना क्या होता है माय है ना। जैसे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं आई लव माय कंट्री। तुम अपने देश से प्यार करते हो यू लव योर कंट्री। वो अपने देश से प्यार करता है ही लव्स His country। वो अपने देश से प्यार करती है She loves her country। वे लोग अपने देश से प्यार करते हैं They love their country। हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं We love our country। तो अपना का इंग्लिश I का हो जाएगा my, You का अपना Your, She का अपना Her, He का अपना His, They का अपना Their, We का अपना Our। तो अब आपको बताना है कि everybody should love his country सही है कि एवरीबडी शुड लव हर कंट्री सही है या एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री सही है? बोले कौन सही होगा? आपको मैंने लिखा है एवरीबडी तो आपको मालूम है कि एवरीबडी जो है ये सिंगुलर वर्ब आएगा लेकिन शुड आ गया मॉडल वर्ब तो मॉडल वर्ब तो कहीं जा सकता है। ठीक है तो अब आप बताइए यहां पर ही सही है कि हर सही है कि देयर सही है? बोले याद रहे इसमें से कोई भी रहेगा चाहे वो सिर्फ थिंग को छोड़कर जैसे समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग इसको छोड़कर अगर बॉडी या वन किसी में लग जाए जैसे समबडी हो समवन हो एनीबडी एनीवन है ना नोबडी नो वन तो इसमें आपको लगाना है ही का फॉर्म लगाना है। किसका फॉर्म लगाना है? ही का। जब इसमें लिखा नहीं हुआ है कि बॉय है कि गर्ल है इसमें लेकिन रूल है कि इसमें से कोई भी रहेगा समबडी हो एवरीबडी हो और ये सब को हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है तो फिक्स हो गया है कि ऐसा कहीं लिखा रहेगा उसका अपना का इंग्लिश आपका ही है तो अपना का इंग्लिश क्या होता है ही का हिज हो जाएगा। ठीक है तो फिक्स है ही का ही फॉर्म चलेगा तो ही का अपना क्या होता है हिज। तो आपका सही इसमें कौन है? बोलिए एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री सही है और ये दोनों गलत है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है अब आगे देखेंगे। अगला है नोट देखा जाए हाँ थिंग लग जाएगा मैंने आपको बताया है कि थिंग लग जाएगा है ना चाहे वो एवरीथिंग हो एनीथिंग हो ये फिक्स है कि आएगा सिंगुलर वर्ब लेकिन इसमें इट का ग्रुप फॉर्म चलेगा। इट का अपना इंग्लिश क्या होता है? इट्स। इट का अपना इंग्लिश इट्स तो इट का फॉर्म चलेगा समथिंग हो एनीथिंग हो नथिंग हो एवरीथिंग हो कुछ भी थिंग लगा रहेगा उसमें क्या लगाना है इट का फॉर्म लगाना है। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भी, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपोर्टेंस और एवरीथिंग हैज हिज ओन इंपोर्टेंस, कौन सही है? तो एवरीथिंग लिखा हुआ है, इसका इट का फॉर्म चलेगा, तो इट के लिए क्या सही होगा? इट्स, ये सही है, रॉन्ग। चलिए कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से इसका एस्किस हो गया जाए। चलिए अब रूल करेंगे, रूल नंबर 16 देखा जाए। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की बात हो रही है, देखिए ए नंबर ऑफ होगा, द नंबर ऑफ कहीं लिखा रहेगा, ठीक है? तो दोनों के बाद नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में, दोनों के बाद नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है? लेकिन ए नंबर ऑफ में लगेगा प्लूरल वर्ब, तो द नंबर ऑफ में क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। एक बार फिर से, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों में आपका वर्ब नाम कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा दोनों में, लेकिन ए नंबर ऑफ वाला में वर्ब होगा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन द नंबर ऑफ वाला में वर्ब होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है? तो हम पहचान लेंगे कि द नंबर ऑफ है कि ए नंबर ऑफ है। ए नंबर ऑफ वाला होगा तो ये वाला पूरा फॉर्मेट, द नंबर ऑफ होगा तो ये वाला पूरा फॉर्मेट। तो बताइए क्वेश्चन यहां पर है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट वॉज की वर्ब। फिर अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 40 वॉज की वर्ब। तो देखिए इधर ए नंबर ऑफ है ना, ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ में कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है? वर्ब है, तो यहां पर वर्ब भर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ में कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? वॉज की वर्ब, तो वॉज भर देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं था। अब ऐसा क्वेश्चन कितना भी हो आपसे आराम से बन जाएगा, आपको चेक कर लेना है कि ए नंबर ऑफ है कि द नंबर ऑफ है, ठीक है? अब आगे देखेंगे 17 में क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ हो, सेवरल ऑफ हो, वेरियस ऑफ हो, इसमें नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा, दोनों सेम सेम है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। आपको चेक कर लेना है बोथ ऑफ हो, सेवरल ऑफ हो, वेरियस ऑफ हो, इसमें नाउन भी प्लूरल फॉर्म में और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में। तो बताइए बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सही है, और ईज करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल इजी है। अब आगे देखेंगे रूल 18 क्या कर रहा है, देयर। अच्छा, कुछ ऐसा भी प्रोनाउन होता है कि जहां पर वर्ब लगाना फिक्स होता है कि यही वर्ब आएगा, जैसे कि ही में इज किया तो ही में इज फिक्स है, यू में आर की इज तो आर, आई में एम की इज तो आई एम होता है, ठीक है, फिक्स है। लेकिन देयर में कौन सा वर्ब लगाएंगे, देयर में कौन सा वर्ब लगाएंगे? इज किया, देयर इज किया, है ना? देखिए देयर में सिंगुलर वर्ब भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा, कोई फिक्स नहीं कि यही वर्ब आएगा। और देयर का नाम होता है इंट्रोडक्टरी, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब इसमें कोई भी वर्ब आ सकता है और ये कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, देयर कहीं भी आ सकता है, ठीक है? तो आप बताइए कि देयर में सिंगुलर वर्ब भी लगेगा और प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो कब सिंगुलर कब प्लूरल वर्ब लगेगा? तो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम इज और आर लगाएंगे देयर के साथ, चेक करेंगे कि अगला नाम कैसा है उसके अकॉर्डिंग इज आर लगाएंगे। पहले क्या हुआ करता था प्रोनाउन में कि ही है तो इजे लगेगा, फिक्स है, आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर लगेगा, लेकिन इसका फिक्स नहीं है, ये अगले पर डिपेंड कर रहा है कि अगला नाउन कैसा आपका है, ठीक है? तो बताइए देयर डैश ए पेन इज गया, तो एक ही कलम है ना, एक ही कलम है ना, तो इज गया तो इज, यहां देखिए देयर टू पेन्स बोल रहा है, दो कलमे हैं तो दो कलमे हैं तो इज गया तो आर। तो आपने देखा कि देयर में इज भी लग गया और देयर में आर भी लग गया, ठीक है? जल्दी से इसका एस्किस हो गया यार। चलिए अब रुक करेंगे रूल 19 की तरफ। कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लग जाएगा, कोई भी एडजेक्टिव हो उसके पहले अगर द लग जाएगा तो वो पूरे कम्युनिटी को शो करता है। जैसे अगर मैं बोलूं पुअर, रिच, ब्लाइंड, ये एडजेक्टिव है, तो पुअर मींस क्या होता है? गरीब, रिच बोले तो अमीर, ब्लाइंड बोलेंगे तो अंधा। लेकिन इसके पहले सबके पहले अगर द लगा देंगे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जिसे बोलेंगे
पुअर, पुअर मीन्स गरीब, लेकिन द पुअर गरीब लोग, रिच अमीर, द रिच अमीर लोग, ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग। तो कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लग जाएगा तो वो पूरे कम्युनिटी को शो करेगा, तो उसमें कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो कभी भी द पुअर हो, द रिच हो, द ब्लाइंड हो, द ऑनेस्ट हो, इसमें कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो बताइए द पुअर इजी लेबोरियस सही है कि द पुअर आर लेबोरियस सही है, बोले हाँ द पुअर। तो क्या दुनिया में एक ही गरीब होता है क्या मेहनती, कि सब होता है, सब होता है ना। द पुअर आर लेबोरियस ये सही है, ये गलत है। लेकिन एग्जाम में बच्चा सब क्या करता है, ये वाला सही बना रहता है, इजी लगाता है उसमें, उसको लगता है क्या कि पुअर तो एक ही बोल रहा है ना, इजी लगेगा ना, पुअर से लगता तब ना आर लगाते। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कभी भी एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगता है। द पुअर का मीनिंग होता है गरीब लोग, इसमें एस क्यों लगाए, है ना। और कैसा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, आर लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे लिखा जाए, द ब्लाइंड डोंट सी सही है कि द ब्लाइंड डजंट सी सही है, अंधे देख नहीं सकते, तो अंधे लोग सबके बात कर रहा है। तो बताइए ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है, उसके पहले द लग गया है तो पूरे कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो इसमें कैसा वर्ब लगेगा बताइए। तो आपको मालूम है जब ये पूरे कम्युनिटी को शो कर रहा है तो कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल वर्ब में एस और यस लगा हुआ नहीं होता है, तो डज में लगा हुआ है ईएस, इसका मतलब है कि आपका ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, डोंट सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखा जाए रूल 20 क्या कह रहा है, ए एन लगा हो, ए एन लगा हो, ठीक है, और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, टीम है ना, ए बंच ऑफ कीज, कमिटी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को शो करता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ लगा हो, फिर नाम कैसा हो, प्लूरल फॉर्म में हो, और वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में नाउन, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और उसके पहले ए एन लगा रहेगा, ठीक है, और ये कलेक्टिव नाउन होगा और मिडिल में ऑफ आएगा, नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो देखा जाए फॉर्मेट इसका भी, ए ठीक, ए एन एस ए लगा हुआ है क्वेश्चन में, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, टीम, टीम कभी भी एक आदमी को नहीं बोलते हैं, पूरे प्लेयर्स को टीम मिलाकर बोलते हैं, ठीक है, टीम हो गया। अब यहां पर आपका ऑफ लग गया, ठीक है, प्लूरल नाउन क्या है भाई, तो प्लेयर्स। अब सिंगुलर वर्ब क्या बोल रहा है, तो सिंगुलर वर्ब हैज होगा कि हैव होगा, सिंगुलर वर्ब हैज होगा कि हैव होगा, आपको मालूम हैज होगा, तो आपका ये आंसर सही है, ये गलत है। तो ऐसा कहीं भी लिखा होगा कि करेक्टिव नाउन रहेगा और वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो ऑलवेज कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। कोई दिक्कत है क्या, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। और आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। जय हो, जय हिंद।